नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैककिन्सीज का 7S फ्रेमवर्क और मैककिन्सीज का 7S मॉडल। ये जो है, दिस वॉज डेवलप्ड बाय द कंसल्टेंट्स एट द मैककिन्सी कंपनी। ये कंपनी है क्या? इट इज अ रेनावर्ड कंसल्टेंसी फर्म इन द यूएस। व्हाई मैककिन्सी 7S फ्रेमवर्क और मॉडल वॉज डिजाइन? इट वॉज डिजाइंड टू डायग्नोज द कॉजेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मुलेट प्रोग्राम्स फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क कंसल्टेंट्स द्वारा, मैकेंजी कंपनी जो कि यूएस की रेनाउड कंसल्टेंसी फर्म है, उन्होंने वहां के कंसल्टेंट्स द्वारा बनाई गई थी ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज किया जा सके, उसको देखा जा सके, निकाला जा सके और ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाए ताकि इम्प्रूवमेंट हो। ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द सेवन वेरिएबल्स, सेवन वेरिएबल्स क्या है अभी तक हम नहीं जाना है, फिर भी ये हमें जान के रखना है कि वो सारे चीज इंटरकनेक्टेड है। तो ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द सेवन वेरिएबल्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक प्रोग्रेस इन वन एरिया विदाउट मेकिंग प्रोग्रेस इन अदर एरियाज ऑल्सो। तो सातों वेरिएबल के जुड़े रहने के कारण ऐसा संभव नहीं है कि आप एक एरिया में डेवलपमेंट करें, एक एरिया में सुधार करें और दूसरे में ना करें। आपको सबको साथ लेके चलना होगा और इसीलिए ये 7S फ्रेमवर्क जो है जानना जरूरी है। वो 7S फ्रेमवर्क क्या है तो देखिए, ये रहे। पहला है स्ट्रेटजी, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम्स, चौथा है स्टाफ, पांचवा है स्टाइल, छठा है स्किल्स। तो पहला जो एस है जो कि है स्ट्रेटजी, उसका मतलब क्या है? दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशंस प्लान फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। मतलब स्ट्रेटेजी क्या है? ये एक प्लान है आपका, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ये प्लान है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रख पाए अपने कॉम्पिटिटर्स से। अगला जो है वो है स्ट्रक्चर। अगला एस जो है स्ट्रक्चर है, ये क्या है? हाउ योर कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड, ये है कि आपका कंपनी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उसी को कहते हैं स्ट्रक्चर। दैट इज हाउ डिपार्टमेंट्स एंड टीम आर स्ट्रक्चर, आपके डिपार्टमेंट और टीम कैसे बने हुए हैं, इंक्लूडिंग हु रिपोर्ट्स टू हिम, किसको किसको कौन किसको जवाब दे है, किसको जाकर रिपोर्ट करना है, ये सारे ये चीज ठीक करता है जिसका नाम है स्ट्रक्चर। अगला जो है वो है सिस्टम्स। तीसरा जो ऐसा है वो है सिस्टम्स, द डेली एक्टिविटीज एंड प्रोसीड्योर दैट स्टाफ यूज टू गेट द जॉब डन। ये सिस्टम क्या है? वो तरीके हैं जिससे आपके जो स्टाफ है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं डेली एक्टिविटी और प्रोसीड्योर के द्वारा। अगला जो है वो है शेयर्ड वैल्यू। चौथा एस जो है शेयर्ड वैल्यू है, दीज आर द कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज सोन इन इट्स कॉर्पोरेट कल्चर एंड जनरल वर्क एथिक, दे वेयर कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट्स गोल व्हेन द मॉडल वॉज फर्स्ट डेवलप। मतलब जब आपकी कंपनी बनी थी तो वो किन वैल्यूज को लेके बनी थी, उसी चीज को शेयर्ड वैल्यूज बोलते हैं। आपके कंपनी में कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, जनरल वर्क एथिक कैसा है, और इस शेयर्ड वैल्यूज को सुपर ऑर्डिनेट गोल्स भी बोलते हैं, मतलब सबसे ऊपर ये है, ऐसा टाइप। अगला जो एस है, पांचवा नंबर एस, वो है स्टाइल। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह का स्टाइल ऑफ लीडरशिप एडॉप्ट करती है, ये। अगला जो है वो है स्टाफ, तो इम्प्लॉइज और उनके जनरल कैपेबिलिटीज क्या है, ये एस में इस चीज को डायग्नोज किया जाता है, ठीक है। तो स्टाफ में क्या है कि द इम्प्लॉइज एंड देयर जनरल कैपेबिलिटी, आपके लिए जो काम करते हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं, इन चीजों को डायग्नोज करना होता है। अगला जो है वो है स्किल्स, द एक्चुअल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लॉइज। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्प्लॉय है वो, उसके पास एक्चुअल स्किल क्या है और उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, किस लायक है वो, इस चीज को इसमें डायग्नोज करते हैं। अब ये जो 7S दिखे, इसको दो भागों में, जो एलिमेंट्स थे फ्रेमवर्क के 7 एलिमेंट्स थे, 7S थे जो कि था स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल, स्टाइल, स्टाफ, इनको दो हिस्सों में बांटा गया। एक है हार्ड एलिमेंट्स, एक है सॉफ्ट एलिमेंट्स। तो हार्ड एलिमेंट्स क्या क्या है? हार्ड एलिमेंट्स है स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स। और सॉफ्ट एलिमेंट्स क्या क्या है? सॉफ्ट एलिमेंट्स है शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ। अब हार्ड एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इजी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस देम डायरेक्टली। मतलब कि जो हार्ड एलिमेंट्स है उनको आसानी से मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकता है, खोजा जा सकता है, और मैनेजमेंट जो है उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है अपने डिसीजन से बहुत आसानी से, है ना। जैसे स्ट्रेटेजी, आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। स्ट्रक्चर, ये भी आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कौन किसको जवाबदेह होगा। और सिस्टम, कैसे कोई काम होता है
इसको भी आपका मैनेजमेंट इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन जो दूसरे हैं सॉफ्ट एलिमेंट्स बचे हुए, जो कि शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ, कैन बी हार्डर टू डिस्क्राइब, लेस टैंजिबल एंड मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर कंपनीज कल्चर। ये जो है आपका कंपनी किन वैल्यूज को लेकर बनी थी उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। ये जो है हार्डर टू डिस्क्राइब, असल में है क्या बताना मुश्किल है। आपके कंपनी का मैनेजमेंट से ये लोग आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ये आपका कंपनी की इथिक्स को लेकर बनी थी, उसका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ रिविजन के लिए था। आपको एक बार किताब में जाना पड़ेगा और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे, तब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सॉलिडिफाई होंगे। रिवाइज करने के लिए आप यहाँ फिर लौट सकते ही हैं। और यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है या आपके सिलेबस में फ्लूइड, थर्मो ये सब है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं फॉर्मूला रिविजन वीडियो बनाता हूँ, और भी कुछ कॉन्टेंट है जो आपके लिए काम आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।